भारत की सरजमीन ने न जाने कितने युद्ध देखे, मगर एक युद्ध ऐसा भी था जिसने गुलाम जनमानस के मन में स्वतंत्रता की चिंगारी जला दी। वो संग्राम था 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम। मैं शिवम सिंह आप सभी के सामने इस महागाथा को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बारे में इतिहास सिर्फ इतना बताता है कि 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के कुछ सिपाहियों ने एनफील्ड राइफल के लिए इस्तेमाल होने वाली कारतूसों को खोलने से मना कर दिया था, क्योंकि उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगे होने की अफवाह थी। यानी यह एक धार्मिक वजह थी जिसे देसी फौज के उच्च वर्णीय सिपाही बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अंग्रेज फौजी अफसरों के विरुद्ध बगावत कर दी। यह अंग्रेजों का लिखा इतिहास है। अंग्रेजों ने इस संपूर्ण घटना को आकस्मिक बताकर एक म्यूटनी साबित करने की कोशिश की। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को 1857 में विप्लव का तत्कालिक कारण माना जाता है, परंतु इस क्रांति के विस्फोट होने के अन्य भी कई कारण थे जिस पर आज प्रकाश डाला जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति ने देसी कृषि और परंपरागत कारीगरी उद्योग को चौपट कर दिया था। डलहौजी ने गोदाम में कई कायदे थे जिसे खारिज कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि नागपुर, झांसी, संभल और सतारा जैसे बड़ी रियासतें झटके में कंपनी के हाथ लग गई। देसी ज्ञान विज्ञान को कंपनी राज ने नष्ट कर दिया। पूरा मलमल कपड़ा उद्योग ध्वस्त कर दिया। लॉर्ड वेलेस्ली ने जूट, चाय और रबर तथा नील की खेती को बढ़ावा देकर किसानों को भुखमरी के कागार पर धकेल दिया। इसलिए बंगाल प्रेसिडेंसी का किसान कंपनी राज से इतना असंतुष्ट था कि उसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी मुहैया करा दी किसान परिवारों से आए सिपाहियों ने। पहली चिंगारी उठी पैरकपुर की छावनी में 29 मार्च 1857 मेरठ में, जहां मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉग और लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन की हत्या कर दी। मंगल पांडे जी को बंदी बना लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की पैदल सैन्य टुकड़ी ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और 11 मई 1857 को प्रातः विद्रोहियों ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को पुनः अपना सम्राट घोषित किया। दिल्ली विजय के समाचार ने द्रुत गति से संपूर्ण देश को अचंभित कर दिया और शीघ्र ही इस विद्रोह ने कानपुर, लखनऊ, बरेली, जगदीशपुर, झांसी, अलीगढ़, रुहेलखंड, इलाहाबाद, फैजाबाद, ग्वालियर आदि को अपनी लपेट में ले लिया। कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह की ज्वाला फैली। यहां पर नाना साहेब दुंदुपंत ने विद्रोह का नेतृत्व किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बरेली में खान बहादुर खान, बिहार में कुंवर सिंह, ग्वालियर में तात्या टोपे ने और इलाहाबाद बनारस में विद्रोह का नेतृत्व किया लियाकत अली ने। परंतु बिना सर्वसम्मत नेता, बिना योजना और बिना साजो सामान के इतनी बड़ी लड़ाई का आखिर दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों द्वारा इस विप्लव का दमन कर दिया गया और संपूर्ण भारत में पुनः अंग्रेजी
अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो गई। अंग्रेजों ने सम्राट बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून की जेल भेज दिया। इस लड़ाई में हिंदू मुस्लिम एकता देखकर गोरे भी दंग रह गए। यही कारण था कि उन्होंने इस देश में सफलतापूर्वक राज करने के लिए 1857 के बाद फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। हिंदुओं से कहा गया कि अगर अंग्रेज भारत से चले गए तो इस देश का शासन मुस्लिम शासकों के हाथ आ जाएगा। उसी तरह वर्ष 1900 के बाद मुस्लिमों से कहा गया कि वे इस देश में अल्पसंख्यक हैं, इसलिए अंग्रेजों के जाने के बाद हिंदू उन पर शासन करेंगे। अगर अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं दिया होता तो हिंदू मुस्लिम के बीच इस तरह लड़ाई झगड़े और दंगे नहीं होते। भारत में इतिहास लेखन की परंपरा का अभाव रहा है। कथाओं और महाकाव्यों के जरिए यहाँ इतिहास रचा गया, इसीलिए 1857 का कोई विधिवत इतिहास हमारे यहाँ नहीं है। अंग्रेजों को 1857 से इतनी चिढ़ थी कि उन्होंने न केवल भारतीयों को इस पर लिखने पर पाबंदी लगा रखी थी, वरन 57 के योद्धाओं के नामों पर अपने संतानों के नाम रखने पर रोक लगा दी गई थी। वीर दामोदर सावरकर, इनके द्वारा लिखित फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वह पहली पुस्तक थी जिसमें 1857 को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बताया गया। यह बात अंग्रेज तो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, खुद कांग्रेस भी सावरकर की पुस्तक के निष्कर्षों से सहमत नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं अगर 1857 में अंग्रेज देश छोड़ गए होते तो वह भारतीय आवाम की आजादी नहीं होती। इसमें बादशाहों, राजाओं और रजवाड़ों को अपनी पुरानी हुकूमत वापस मिल जाती। बाद में निजी महत्वाकांक्षाओं के चलते ये लोग आपस में लड़ते मरते और कभी भी भारत राष्ट्र नहीं बन पाता। 1857 की लड़ाई हिंदुस्तान के आवाम ने हारी जरूर, पर उसने हार नहीं मानी। हम अगर 1857 में हारे हैं तो कहीं न कहीं उस हार की चिंगारी का ही नतीजा था कि 15 अगस्त 1947 को हमने शानदार आजादी पाई। इस आजादी पर मैं शिवम सिंह देश के सभी महान देशभक्तों को शत शत नमन करता हूँ। वंदे मातरम।